हाय गाइस, वेलकम टू मम्मीज किचन। ये हमने भिंडी को अच्छे से दो तीन पानी से अच्छे से धो लिया है और उसको धो के हमने अच्छे से पोंछ के रख दिया है बीच में से कटिंग करके। ठीक है, हमने दो बटाटे यानी कि दो आलू को भी हमने छील के इसकी फिंगर चिप्स लाइन में हमने कटिंग कर लिया है, भिंडी और ये बटाटा। ठीक है, तो हम एक बड़ा प्याज इसमें ले लेंगे, अनियन और एक टमाटर जो हमने स्लाइस टाइप में कटिंग कर दिया है। तो हमने बाजू रख लिया अदरक लहसुन का पेस्ट। डाल देते हैं तेल दो चम्मच भर के, डाल देते हैं चम्मच भर के जीरा, आधा चम्मच राई। ठीक है, राई भी डाल दिया करो, ठंडी में बहुत ही इसका फ़ायदा होता है। तो हमने डाल दिया है कड़ी पत्ता, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे जो हमने प्याज कटिंग करके रखा है। हमने खड़ी प्याज इसको कटिंग करके रख दिया है ऐसी लंबी लंबी सी, और उसमें हमने डाल दिया है चार हरी मिर्च बीच में से कटिंग करके। ठीक है, बस डाल दो नमक, हमने सब्जियों के हिसाब से भी इसमें नमक डाल दिया है, तो सब्जियों को भी इसी में डाल के अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। ठीक है, बस प्याज को ज़्यादा जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा कलर आ जाए तो बस सब्जियों को भी इसी में डाल दो, भिंडी बटाटा, इनके साथ प्याज भी अच्छे से पक जाएगा। तो हमने दो सेकंड के लिए इसको बंद कर दिया था, बस इसको अच्छे से मिक्स कर दो। देखिए अच्छे से ये बन गई है। तो हम डाल देते हैं हल्दी, चाट मसाला, नमक तो हमने पहले डाल दिया था, हमने डाल दिया धनिया पाउडर। हम आधा चम्मच ही इसमें लाल मिर्च डालेंगे पाउडर, क्योंकि हमने इसमें चार हरी मिर्च तीखी वाली डाल दिया था पहले। ठीक है, तो बस इसको कर दो मिक्स, अच्छे से इसको मिक्स कर दो, और इसमें डाल दो जो टमाटर हमने कटिंग करके साइड में रखा हुआ था, बस इसको ऐसे ही ऊपर से ही डालना है। तो बस इसको हम लगा देते हैं अभी ढक्कन, तो बस इसको छोड़ देते हैं एक दो तीन सेकंड के लिए, इसको भी दो मिनट के लिए हम इसको भी छोड़ देते हैं। तो बस देखो ये भी टमाटर भी बहुत सॉफ्ट हो गए, हमने शादियों में होटलों में आपने खाया होगा, बस उसी टाइप का ये भिंडी बना है, फ्राई भिंडी। ठीक है, तो बस टेस्टी और मज़ेदार वाली भिंडी तैयार हो गई है। तो हम कर देते हैं सर्व, लगा देते हैं प्लेट में, चावल की रोटी के साथ मैंने इसको बना लिया है, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये बन गई है। ठीक है, तो चलो आप लोग भी ऐसी ही भिंडी फ्राई बना लेना, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगती है ये चपाती या फिर चावल की भाकरी के साथ, चावल की भाकरी भी बोला जाता है रोटी भी। ठीक है, चलो बाय।